एवरीवन, मैं अमित और आप सभी का स्वागत करता हूँ भाटी फिटनेस ज्ञानी में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके टीथ में आपके जो दांत है उसमें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है या उसका क्या कारण है। आपको शायद पता नहीं है कि हम जो छोटी छोटी सी एक्टिविटी घर पर रहकर कुछ ना कुछ करते रहते हैं और बहुत सारी बैड हैबिट को भी हम कहीं ना कहीं अपना ही लेते हैं। तो इसी का एक कारण है आपके टीथ में दर्द होना, आपके दांतों में बहुत ज्यादा पेन होना, जिसकी वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। मैं आपको बता दूं, छोटी सी दो चार जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जो बैड हैबिट्स हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा और आप अपने टीथ को एकदम से ठीक कर सकते हैं। बट उसके लिए करना क्या होगा, थोड़ा सा प्रयास करना होगा, थोड़ा सा काम करना होगा जो आपको डेली नाइट को और डेली मॉर्निंग में करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, जब भी आप नाइट का खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपको थोड़ा सा पानी लेना है और पानी को लेने के बाद आपको थोड़ा सा कुल्ला करके पानी को बाहर स्प्लिट कर देना है, बाहर फेंक देना है। इससे क्या होगा, आपके जो टीथ हैं वो एकदम से क्लीन हो जाएंगे, जो उनमें कीड़े लग जाते हैं या फिर बहुत सारे जर्म्स, जो बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं, जो देखा होगा आपने मॉर्निंग में, आप कभी भी टीथ को अपनी फिंगर से आप ऐसे करके देखोगे उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है, क्योंकि वो पूरे ओवरनाइट का जो खाना है वो आपके टीथ, जो आपके दांत हैं उनके बीच में जो गैप है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से वो सड़ने लग जाता है और सड़ने की वजह से वो आपके जो टीथ के नीचे मसूड़े हैं उन्हें भी हार्म पहुँचाने लग जाता है, जिसकी वजह से आपके टीथ में कीड़े लगना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप नाइट में खाना खाने के बाद, बहुत सारे लोग, अगर आपके पास टाइम है तो आप ब्रश कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो खाना खाने के तुरंत बाद आप कुल्ला कर सकते हैं, पानी को थोड़ा सा डाल के और राइट और लेफ्ट साइड पूरे मुंह में घुमाने के बाद आप उस पानी को बाहर फेंक दें, उसे अंदर निगलना नहीं है। फर्स्ट और सेकंड आपको मॉर्निंग में सेम ऐसी ही एक्टिविटी करनी है। आज हम लोगों की एक बहुत गंदी आदत पड़ चुकी है कि जब तक बेड पर टी ना मिले हम बेड से नीचे अपने पैरों को नहीं रखते हैं। ये एक बैड हैबिट्स है। अगर आप चाहते हैं आपके टीथ बहुत अच्छे से रहें, बहुत क्लीन रहें और बहुत चमकदार रहें, साथ ही साथ उनमें कोई भी पेन ना हो, किसी भी प्रकार का दर्द ना हो, तो आपको मॉर्निंग में बैड टी लेने से पहले आपको पानी पीना चाहिए, क्योंकि आपकी जो मुंह की राल है वो उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना हम पूरे दिन में खाना खाते हैं। आपकी जो राल है वो आपके पानी के साथ मिलके आपकी बॉडी के अंदर जाएगी और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा लगेगी। जब आप मॉर्निंग में पानी पीते हैं, अगर हो सके तो आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए, थोड़ा सा वार्म वाटर पीना चाहिए। अगर आप वार्म वाटर पीते हैं तो इससे आपके टीथ भी क्लीन होंगे, साथ में जो राल है वो आराम से आपकी बॉडी में, आपके स्टोमक तक, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुँचेगी और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। ब्रश करने के बाद आपको अपनी टी को लेना चाहिए। अगर आप ब्रश भी नहीं करते तो इस पानी को लेने के बाद आप अपनी टी को टेक कर सकते हैं, पी सकते हैं। तो बस ये दो तीन एक्टिविटी हैं जो आप डेली करें, आप देखेंगे कि आपका जो टीथ है, आपका जो दांतों का दर्द है एकदम से ठीक होने लग जाएगा। और जिन लोगों के टीथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या जिन लोगों ने ऑलरेडी इन सारी समस्याओं को झेल रहे हैं, उनके लिए मैं आप छोटा सा एक उपाय बताता हूँ जिसे आप घर पे रह के कर सकते हैं। आपको कॉटन लेना है, कॉटन रुई लेना है और रुई के अंदर थोड़ा सा लौंग का तेल आता है, आप किसी भी पंसारी की शॉप से या किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से आप परचेज कर सकते हैं और उस रुई को उस लौंग वाले तेल के अंदर भिगोने के बाद थोड़ा सा आपको उस जगह पर रख लेना है जिस जगह पर आपको ज़्यादा पेन होता है। आप देखेंगे 2 से 4 मिनट के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाएगा और साथ ही साथ आप देखेंगे जो उस जगह पर जो आपको प्रॉब्लम हो रही थी उससे भी आपको निजात मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू।